तो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं पैन कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है और घर बैठे अपने मोबाइल से पैन कार्ड आप बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैन कार्ड, अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है तो आप किस प्रकार से घर बैठे आपके मोबाइल या कंप्यूटर से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हो। और आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग कूपन ऐड करके घर बैठे बैठे फ्री में पैन कार्ड बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आप पैन कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लिंक ऐप ओपन करके कर सकते हैं, यही वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ से लॉग आउट हुआ और यहाँ से यही पेज, इसी की वेबसाइट की लिंक, यही वाली लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। देखिए, तो यहाँ पर मैं यूज़र आईडी अपनी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र आईडी डाला और पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर और कैप्चर कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके इसको ओके कर दे। ओके करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे फॉर्म 1949 सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और इसमें एक बात और, अगर आप तभी पैन कार्ड बना सकते हो अगर आपका यहाँ पे कूपन अवेलेबल हुआ। तो देखिए, यहाँ पर मेरा ये कूपन अवेलेबल है, तो यहाँ पे वोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडिविजुअल रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोग आप यानी कि लेडीज़ और बॉयज़, यानी कि लेडीज़ का बनाओगे तो एस एम टी करेंगे और यहाँ पर बॉयज़ के लिए यहाँ पर सीवी करेंगे। तो लेडीज़ का हम बना रहे, तो यहाँ पर लेडीज़ के लिए एस एम टी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर फीमेल यानी कि कैटेगरी इसके हिसाब से सिलेक्ट ऑटोमेटिक कर लेता है। और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। अगर आपका नाम है या पहले से कोई एक और नेम है तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैं फादर का नेम सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको पैन कार्ड कहाँ पर मंगाना है। पैन कार्ड यहाँ पर आपको घर पर मंगाना है, तो आपको यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ये अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और ऑफिस का एड्रेस देते हो तो ऑफिस का प्रूफ लगाना पड़ेगा, और आप घर का एड्रेस देते हो तो यहाँ पे रेशन क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, चेक आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर चेक आधार पर करने के बाद आपको फिर से एक आधार नंबर भरना पड़ेगा। और यहाँ पर आ जाते हैं आधार एज पर नेम, तो यहाँ पे जो आधार कार्ड में नेम हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ में यानी कि आपको आधार कार्ड ही भरना है, यानी कि तीन ऑप्शन में आधार कार्ड डाल देंगे। यहाँ पे कस्टमर का जो मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे जो कस्टमर की मोबाइल ईमेल आईडी डाल सकते हो और यहाँ पर अपनी भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक सामने आएगा और इसके बाद इंडियन क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। होने के बाद आपके सामने के इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको ये प्रिंट आउट निकाल लेना है और ये कस्टमर को दे देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन फिर से जाएंगे मैन मॉन यानी कि प्री फॉर्म यानी कि 49A पे, और उसके बाद मैन फॉर्म एंट्री पे क्लिक कर देंगे। मैन फॉर्म एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, इस पर कूपन नंबर पर क्लिक कर देना है। कूपन नंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जो इस प्रकार से होगा, तो उसको ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ओके करने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे देखिए 7 नंबर में फोन आ जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर में देखिए, अगर आपका हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल दीजिए, वरना वाइफ ऑफ करके यहाँ पर डाल देंगे तो ठीक है। वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ यहाँ पे करके डाल देंगे और यहाँ पे पूरा अपना डाटा भर लेंगे। और उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद यहाँ पे 91 भर देंगे कोड आई डी अपना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। कितना नंबर रहेगा, 13 नंबर में, ठीक है। 13 नंबर के बाद नीचे की साइड आ जाएंगे और आपको 16 नंबर में हिम सेल्फ और हर सेल्फ भरना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लेस वेरीफिकेशन, तो यहाँ पे जहाँ से बनता है वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सबमिट। तो सबमिट करने के बाद देखिए, यहाँ पे कोड आएगा, तो कोड आपको भरना है आपके फॉर्म में, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए, आपके सामने सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ से सक्सेसफुल होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद
आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखने हैं, और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट किस प्रकार से लगाने हैं तो वो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। तो हम लेके चलते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड रहने वाला है, बैक ऑफ रेंट, और यहाँ पे फॉर्म का बैक ऑफ रेंट और फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे, और यहाँ पे देखिए कितने 2 MB से यहाँ पे मैक्सिमम PDF फाइल रहने चाहिए और 200 DPI, ठीक है। और फोटो रहेंगे यहाँ पे 30 KB मैक, यानी कि लास्ट रहेगी, यानी कि 30 KB के अंडर अंडर होना चाहिए, और 300 DPI 200 × 213, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे 600 DPI ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और आपको 60 KB के अंडर लेने हैं, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो अपलोड करते हैं। देखो आपको PDF बनानी है तो यहाँ पे एक साइट सर्च करेंगे ऑनलाइन टू PDF, ठीक है। उस पर क्लिक कर देंगे और साइट की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जिस फोल्डर में है तो फोल्डर सिलेक्ट करते हैं, फोल्डर का आया तो उसमें फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला फोल्डर अपना। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्म अपना ये आ गया, और ठीक है यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ लगा दी, और यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। कन्वर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मात्र एक सेकंड में काम है यहाँ से PDF का। देखिए यहाँ पर PDF अपनी डाउनलोड हो चुकी है, अब आपको ओपन करके देख लेते हैं। फिर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फॉर्म भरने में मिस्टेक तो नहीं हुई, तो वीडियो लंबी जरूर होगी पर इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरी सारी चीज़ कंप्लीट ही सही भरी हुई है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर मेरे आधार कार्ड भी लगा दिया है, ठीक है। तो ये PDF हो चुकी है, और यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ और आ जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फॉर्म, यानी कि PDF अपलोड करूँगा दीदी। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड में गया और यहाँ से मैंने PDF ले ली, ठीक है। PDF लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, उनको आप सिग्नेचर लेने हैं दीदी, सिग्नेचर और फोटो। तो यहाँ पर गया मैं, मैंने पहले बना रखे हैं, तो यहाँ पर भरना है उनको, फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो एकदम क्लीन लगाना है भाई इसमें, ठीक है। फ़ोटो क्लीन लगाओगे तो अच्छा फ़ोटो आएगा आपके पैन कार्ड में। और यहाँ पर सिग्नेचर, सिग्नेचर लेने के बाद यहाँ पर कर देंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद आपके सामने आएगा एक इंटरफेस जो इस प्रकार से होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म 19 सर्विस पे फिर से जाना है, और यहाँ पर बैच जनरेट बैच जरूर करना है, अगर जनरेट बैच नहीं करते तो आपका जब तक पैन कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको ये प्रिंट आउट निकाल के आपके फॉर्म में अटैच कर देना है और ये भेज देना है आपको पैन कार्ड ऑफिस। तब तक के लिए पैन कार्ड आपका आ जाएगा आपके मेल पर, 2 से 3 दिन में पैन कार्ड आ जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, एक लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।